नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। आइए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। आय से अधिक संपत्ति केस में हिमाचल प्रदेश के सीएम वीरभद्र सिंह को जमानत। पटियाला हाउस कोर्ट ने 1 लाख के निजी मुचलके पर दी बेल। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड को प्रभावित करने के आरोपों पर बोले पी चिदंबरम, मुझ पर और मेरे बेटे पर लगाए गए आरोप झूठे। मेरे परिवार में कोई FIPB पर नहीं डाल सकता था दबाव। आतंकियों से फंडिंग के मामले में NIA के शिकंजे में अलगाववादी नेता। दिल्ली में 3 अलगाववादी नेताओं को NIA ने किया तलब। फारूक अहमद, जावेद अहमद और नईम खान से हुई पूछताछ। मवेशियों की बिक्री पर रोक के फैसले में हो सकता है बदलाव। सूत्रों के हवाले से खबर। पाबंदी के दायरे से बहस होगी बाहर। मांस के लिए पशु कारोबार पर नहीं होगी रोक। दिल्ली के GTB नगर में ई रिक्शा चालक का कत्ल। खुले में पेशाब करने से रोकने पर दो लोगों ने पीट पीट कर की हत्या। दिल्ली सरकार ने किया 5 लाख के मुआवजे का ऐलान। वेंकैया नायडू ने दिए जांच के आदेश। मुंबई ब्लास्ट केस में अबू सलीम के खिलाफ फैसला सुरक्षित। 16 जून को टाडा कोर्ट सुनाएगी अबू सलीम सहित 7 आरोपियों पर अंतिम फैसला। साल 1993 में 13 बम धमाकों में मारे गए थे 257 लोग। रामपुर छेड़छाड़ मामले में पुलिस के हत्थे चढ़े 4 मुख्य आरोपी। आरोपियों ने पुलिस के सामने कबूला अपना गुनाह। 10 अभी भी फरार। जामिया यूनिवर्सिटी की चांसलर बनी मणिपुर की राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल MA जकी की लेगी जगह। अगले 5 साल तक संभालेगी जामिया यूनिवर्सिटी की कमान। तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 81 अंकों की बढ़त के साथ हुआ बंद। निफ्टी में 9 अंकों का उछाल। और भारत पाकिस्तान सीरीज पर भड़के खेल मंत्री विजय गोयल। कहा पाकिस्तान के साथ विपक्षी क्रिकेट सीरीज नहीं होगी। आतंकवाद और क्रिकेट नहीं चल सकते एक साथ। ये तो ही अब तक की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीबी लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।